हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2019 का जो पेपर वन था उसके भाग थर्ड को, जो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ फेमिनाइन जेंडर नाउन। इसमें बताना है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का फेमिनाइन जेंडर कौन सा नाउन है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट रहेगा, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। ए वाला ऑप्शन इसमें सही, क्योंकि फीमेल वर्ड आ रहा है इसी से पता चल जा रहा है। अगला प्रश्न है, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच, मतलब टीचिंग का ऐसा मेथड इन विच टीचर ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफ्रेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इस कॉल्ड। तो इसमें जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, डायरेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है 63, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रेंशन, अगर आप अपने स्टूडेंट का कंप्रेंशन टेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का, ऑफ रिटन इंग्लिश, जो लिखी हुई ऑलरेडी इंग्लिश है, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। तो इसमें क्या होगा, यू आर टेस्टिंग मतलब आप कौन से उसके अंडरस्टैंडिंग का जो है टेस्ट कर रहे हैं, रिटन का, लिसनिंग लिसन का, या रीड का, या स्पोकन का। इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इसमें ऑप्शन नंबर एकदम सही है, प्लीज लिसन टू योर टीचर, लिसन के बाद टू लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। इसमें देखिए आई डू नॉट बिलीव हिम, या फिर बोथ of the above, I am not believing him, या none of the above। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ पर पहचानना है। तो इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट में पहली बार तो हैड लगा होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन वॉक ऑन। देखिए यहाँ पर मून के भी पहले द लगेगा, फर्स्ट के पहले भी द लगेगा, तो करेक्ट जो ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर, अब यहाँ टीचर क्या, हैज़ बीन टीचिंग मतलब टीचर पढ़ा रहा है कितनी देर से। अब यहाँ आवर्स लगा होता तो 2 या 3 हो सकता था, लेकिन आवर लगा है तो आवर के पहले, भाई 1 आवर है लेकिन यहाँ आवर के पहले ए लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि एन आवर ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है ना, मतलब है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड वोवल का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एट द राइट सफिक्स जो है इसमें ऐड करना है टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स, ऑक्स में ऑक्स का प्लूरल बनाने पर कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए ऑक्स से ऑक्सन बनता है। नेक्स्ट, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो, मतलब ग्रो का जो वर्ड है इसमें क्या ऐड, कौन सा सफिक्स ऐड करने पर ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी वाला बनता है, टीएच ग्रोथ करने से ऑप्शन बन जाता है करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड है 71 और 72। तो यहाँ पर पैसेज आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है, द वर्ड स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर बी वाला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे ही पता चल रहा है। 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, ऐसा व्यक्ति जो डज नॉट टेक रिवेंज,
जो बदला नहीं लेता उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, अ स्ट्रॉन्ग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। रीड द फॉलोइंग पोएम। अब यहाँ पोएम से रिलेटेड दिए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 73 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है, अनएक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच को जो स्टैंजा में यूज किया गया है। तो करेक्ट यहाँ पर जो स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है 76। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, इफ। नेक्स्ट है 77। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है करेक्ट जो यहाँ पर फिल होंगी। करेक्ट यहाँ पर देखिए दोनों जगह फॉर का यूज होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए नीचे, डी वाला सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। जो वर्ड यूज हुआ है इस सेंटेंस में फास्ट, वो क्या है? अ कंजक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, या फिर एडजेक्टिव है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है 4 वाला है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। कौन सा एक सिंपल सेंटेंस नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आई हैव अ वेरी क्लोजली बुक इन माई हाउस। सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। सी डज नॉट नो गुड मैनर्स। He is a man of great knowledge. तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है, जो सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर she reads what she likes दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्न डे आफ्टर टुमारोज इज इन। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2 वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही बनता है, ऑल दीज मेन आर जेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है। ही केम टू मी मिडनाइट। तो यहाँ पर देखिए इन होगा, ऑन होगा, एट होगा या अपॉन होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 3 वाला बनता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जो शॉर्ट टाइम होता है कम समय, उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मिडनाइट यूज हुआ है ना, और जो लॉन्ग टाइम होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर इन, ठीक है। तो यहाँ इन प्रयोग ना होकर एट प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। Which of the following sentence does not have an adjective clause? कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं यूज हुआ है या नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है यहाँ पर बी वाला बनता है, I met him where he lived. 84 नंबर है, fill in the blank with correct preposition. करेक्ट preposition बताना है, He is junior than me, या junior with me, या junior from me, या junior to me. तो यहाँ जो होगा 84 में करेक्ट ऑप्शन डी वाला बनता है, 4 नंबर, ही इज जूनियर टू मी। नेक्स्ट 85, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। आइदर ही इज मैड और ही फाइंड्स मैडनेस। तो यहाँ पर देखिए, और आइदर के साथ हमेशा और का यूज होता है, 4 नंबर विकल्प यहाँ पर सही बनता है। 86 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस बताना है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस
फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा डू इट का। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर 4 बनता है। देखिए यहाँ पर डू इट है, ऑर्डर देने की बात हो रही, तो यहाँ पर हमेशा नाउन सब्जेक्ट नहीं है, तो लेट से स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, कौन सा जो है वर्ड नीचे प्लूरल में है, इंडेक्स है, एनालिसिस है, क्रिसिस है या क्राइटेरिया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है, ये प्लूरल है। नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, प्लूरल में कौन सा नाउन है वो बताना है, तो इसमें करेक्ट माइस क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 और लास्ट क्वेश्चन है इसका इंग्लिश वाले पार्ट का, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या पूछ रहा है, इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड, ऑर्फन वर्ड है इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलाइन है, कॉमन है, फेमिनाइन है या न्यूट्रल जेंडर है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है बी वाला कॉमन जेंडर है, क्योंकि ऑर्फन है ना ये क्लियर हो रहा है, मैस्कुलाइन ना फेमिनाइन, तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन रहता है वो कॉमन जेंडर होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।